जो भी दुश्मन है मेरे सलफ का जल रहा था जला है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما हर तरह की तारीफ हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जिसने हम सारे इंसानों को इस दुनिया के अंदर पैदा फरमाया और हम सब की रुश्त व हिदायत के लिए बहुत सारे अंबिया कराम को इस दुनिया के अंदर पैदा फरमाया। उन तमाम अंबिया कराम पर दरूद व सलाम का नजराना हो, बिलखसूस हमारे और आपके प्यारे नबी आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बरादरान इस्लाम, दीनी मिली भाइयों, आज का मौजू खिताबत है उम्मत मुसलमा जवाल पज़ीर क्यों। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व ताला ने उम्मत मोहम्मदिया को जो ये अजीम शरीयत दी है, इसका मंशा है, इसकी चाहत है कि इस उम्मत के मुत्तबईन को, इस उम्मत के मानने वाले को हर जगह कामयाबी मिले, इन्हें उरूज और तरक्की हासिल हो और किताब व सुन्नत की तालीमात इनके अखलाक और गुफ्तार से झलके, सीरत सहाबा की हकीकी तर्जमानी कर सके और हर समाज हर मुआशरे में इस्लाम के उसूल व ज़वाबित की सच्ची तस्वीर नज़र आए। ये इस उम्मत की मंशा है, इस शरीयत की यही चाहत है कि इसके मुत्तबईन, इसके मानने वाले हर जगह कामयाब और कामरान रहे। मगर शायद ये इस उम्मत की हरमा नसीबी है, बदकिस्मती है, बदनसीबी है कि वही कौम जो हर जगह कामयाब थी, वही कौम जिन्हें उरूज और तरक्की हासिल थी, वही कौम जिनके सामने बड़े बड़े हुक्मरान सर झुकाने पर मजबूर हो जाया करते थे, वही कौम जिनके हक़ के तराने कभी कैसरो किसरा के महलों में गाए गए, वही कौम जिनके 313 अफराद ने हज़ारों लश्करों को पीट फेर कर भागने पर मजबूर कर दिया, वही कौम जिन्होंने दुनिया में चप्पे चप्पे दुनिया के कोने कोने पर इस्लाम का परचम लहराया, आज वही कौम जलील है, आज वही कौम हकीर है, आज वही कौम बदनाम है, आज उसी कौम को देखिए नाकामी की तरफ बढ़ रही है, आज ये उम्मत पस्ती व इन्हितात में जा रही है, आज ये उम्मत जवाल पज़ीर के शिकार हैं। आखिर क्यों? उम्मत मुहम्मदिया ज़बूहाली का शिकार क्यों हैं? उम्मत मुहम्मदिया इतनी जलील क्यों हैं? आज इस उम्मत पर दुश्मनान इस्लाम चारों तरफ से हमला आवर क्यों हैं? आज इस उम्मत की मसाजिद निशाने पर है, दरसगाह निशाने पर है, आज इस उम्मत के मानने वालों पर तरह तरह के मुश्किलात और मसाइब हैं। आखिर क्यों? उम्मत मुहम्मदिया इतना जलील क्यों है? इसके क्या रीज़न हैं? इसके क्या असबाब हैं? एक चंद असबाब आपके सामने रखेंगे। अल्लाह पाक से दुआ कीजिए, अल्लाह पाक मुझे सच और हक कहने की तौफीक दे और हम सबको इस पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने की तौफीक दे, आमीन। मेरे भाइयों, याद रखिए, आज जो हमें ये मुश्किलात और मसाइब का सामना करना पड़ रहा है और ये उम्मत जो जलील और रुस्वा होती जा रही है,
उसकी एक बहुत बड़ी वजह ईमान से महरूमी है। आज इस दुनिया में देखें जो ये दावा करने वाले आपको बहुत मिलेंगे कि हम मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हम मानते हैं इस शरीयत को, हमारा ईमान है अल्लाह पर, हमारा ईमान है रसूल पर, ईमान के दावेदार तो आपको बहुत मिलेंगे। कितने मुसलमान हैं, हर कोई दावा करता है हमारे पास ईमान है, लेकिन क्या हकीकी मानों में आज मुसलमानों के पास ईमान है? क्या हकीकत में वो ईमान जो शरीयत का मकसद है, जो शरीयत को मतलूब है, वो ईमान आज के मुसलमानों में है? गौर करने की बात है, अब देखिए तो पता चलेगा। मेरे भाइयों, आज हमारे ईमान में वो मजबूती नहीं है, आज हमारे ईमान में इखलास नहीं है। जिस दिन हमारा ईमान मजबूत हो जाएगा, जिस दिन हमारे ईमान में इखलास आ जाएगा, जिस दिन हमारा ईमान साफ और शफाफ हो जाएगा, जिस दिन हमारा ईमान सारी चीज़ों से जिस दिन हमारा ईमान बहुत सारी चीज़ों से मिलावट से पाक हो जाएगा, जिस दिन हमारा ईमान शिर्क की मिलावट से पाक हो जाएगा, बिदात की मिलावट से पाक हो जाएगा, और खुराफात और धोखाधड़ी से हमारा ईमान पाक हो जाएगा, हराम चीज़ों से हमारा ईमान पाक हो जाएगा, उस दिन ये उम्मत गालिब आकर रहेगी। क्यों? ये रब का चैलेंज है, ये रब का वादा है। अल्लाह तबारक व तआला सूरह आले इमरान आयत नंबर 139 पर इरशाद फरमाता है, वला तहिनू वला तहजनू व अंतुमुल आलाउना इन कुंतुम मुमिनीन, के तुम गम ना करो, तुम खौफ ना खाओ, तुम ही गालिब रहोगे, तुम्हारी बादशाहत होगी, तुम्हारी हुकूमत होगी, तुम ही गालिब रहोगे, शर्त यह है कि तुम मोमिन बन जाओ, शर्त यह है कि तुम मोमिन बन जाओ। मेरे भाइयों, आज देखें हमारे पास जो ईमान है, क्या हकीकी ईमानों में वो ईमान है जो शरीयत को मतलूब है? आज हमारे ईमान में शिर्क की मिलावट है, हमारे ईमान में बिदात की मिलावट है, हमारे ईमान में हराम की मिलावट है, हमारे ईमान में धोखाधड़ी की मिलावट है, तो फिर कहाँ से हम कामयाब हो सकते हैं? नहीं तो कुरान तो चैलेंज करता है, कुरान तो ये चीख कर कहता है, वला तहिनू वला तहजनू व अंतुमुल आलाउना इन कुंतुम मोमिनीन, कि तुम गम ना करो, तुम खौफ ना खाओ, तुम कामयाब रहोगे, हुकूमत तुम्हारी होगी, बादशाहत तुम्हारी होगी, तुम गालिब रहोगे, शर्त यह है कि तुम अपने ईमान को मजबूत कर लो। आज देखिए हमारे पास ईमान कैसा है, और कुरान पाक पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि अल्लाह तबारक व ताला ने चार चीजें जिक्र फरमाया है। ये चारों चीजें हमारे अंदर आ गई तो हम कामयाब हो जाएंगे हर जगह, दुनिया के हर मैदान में, और आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी। और इन चारों चीज़ों में सबसे पहली चीज़ अल्लाह ने ईमान का जिक्र फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला सूरतुल असर के अंदर इस चारों चीज़ों को बयान फरमाया है। अल्लाह ताला फरमाता है, वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला الذين आमनू व अमिलु الصالحات व तवासौ बिल हक व तवासौ बिस सब्र। अल्लाह फरमाता है कि बेशक कसम है ज़माने की, कसम है ज़माने की, तमाम इंसान घाटे में है, तमाम के तमाम इंसान नुकसान में है, सिवाय उन लोगों के, इल्लल्लज़ीन आमनू, जिन्होंने ईमान लाया, वामिलुस्सालिहात वामिलुस और जिन्होंने नेक आमाल किए, अमल सालेह किए, व तवासौ बिल हक और जिन्होंने हक बात की, वसीयत की, हक बात को दूसरों तक पहुंचाया, हक बात को एक दूसरे तक पहुंचाया, व तवासौ बिस सब्र और अल्लाह की जानिब से पहुंचने वाली मुश्किलात पर सब्र किया, एक दूसरे को सब्र करने की तलकीन की। मेरे भाइयों, ये चार चीज़ें जब तक हमारे अंदर नहीं आएगी, अल्लाह ने कह दिया तमाम इंसान नुकसान में है, घाटे में है, नुकसान में रहेंगे, घाटे में रहेंगे, ये चारों चीज़ें जिस दिन हमारे अंदर आ गई हम कामयाब होंगे दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो इन चारों चीज़ों में सबसे पहली चीज़ अल्लाह ने क्या कहा, इल्लल्लज़ीन आमनू, ईमान। आज हमारा ईमान
उस तरह नहीं है जिस तरह शरीयत को मतलूब है। और हम ईमान का दावा तो करते हैं लेकिन दूसरी चीज़ अमले सवाले नेकियों में हम कितना आगे। अगर आप देखेंगे समाज और मुआशरे का जायज़ा लेंगे, मुसलमानों का जायज़ा लेंगे, आपको पता चलेगा कि ईमान के दावेदार तो बहुत हैं लेकिन नेकियों में आज हम बहुत पीछे हैं, अमल सालेह में आज हम बहुत पीछे हैं। और अगर आप इसका अंदाज़ा करना चाहते हैं कि एक मुसलमान तो दावा करता है हम मुसलमान हैं और उसका आप अमल का जायज़ा लेना चाहते हैं, तो आप नमाज़ों के टाइम मस्जिदों का जायज़ा लीजिए, नमाज़ों के टाइम मस्जिदों का दौरा कीजिए, आपको पता चलेगा कि कितने ऐसे लोग हैं जो ईमान का दावा करते हैं और अमले सालेह करते हैं, अमल भी करते हैं, खासकर नमाजों में और अखलाक और किरदार में, हुकूकुल इबाद में आज हमारी बड़ी कोताही है, हम बड़े पीछे हैं। मेरे भाइयों, सिर्फ ईमान लाना काफी नहीं है, ईमान के साथ साथ नेकियां भी करनी पड़ेगी, ईमान के साथ साथ अमले सालेह को भी करना पड़ेगा, वरना कामयाबी नहीं हासिल होगी, हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। हम अपना नाम मुसलमान का नाम रख लेने से, जुमा जुमा की नमाज पढ़ लेने से या गाय का गोश्त खा लेने से हम मुसलमान हकीकी मुसलमान नहीं हो सकते, जब तक कि हम अमल को अंजाम ना देंगे, जब तक उन नमाजों को पाबंद से हम अदा ना करेंगे, जब तक एक दूसरे के हुकूक को अदा ना करेंगे, जब तक कि हम शरीयत के जो मतलूबात नेकियां हैं उन नेकियों को हम अंजाम ना देंगे हम कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए कि रब ने कह दिया इन्नल इंसान लफी खुस्र, सारे के सारे इंसान नुकसान में है, सारे के सारे इंसान घाटे में है, तो नुकसान से बचना चाहते हैं और फायदा चाहते हैं, कामयाबी चाहते हैं, फतह चाहते हैं, तो मेरे भाइयों ईमान को मजबूत करना पड़ेगा, अमले साले को करना पड़ेगा। अफसोस अफसोस, हम खुद सोचें अपने आप को कि हम ईमान का दावा करते हैं कि हमारा ईमान है अल्लाह पर रसूल पर, लेकिन अल्लाह और उसकी रसूल की बातों पर हम कितना अमल करते हैं। जिस तरह जुमा की नमाज में हम अमल करते हैं, जुमा के लिए आ जाते हैं, काश इस तरह पांचों वक्त में अगर हो जाए तो यकीन मानिए दुश्मनान इस्लाम जो आज उरूज पर पहुंचने पर है, दुश्मनान इस्लाम जो हमारी तरफ निगाह उठा रहे हैं, वो कभी निगाह उन्हें कभी निगाह उठाने की तौफीक नहीं होगी, कभी हिम्मत नहीं होगी। लेकिन अफसोस हम सिर्फ दावेदार जुबानी मुसलमान हैं, जुमा की नमाज पढ़ लिए, ईदैन की नमाज पढ़ लिए, हमारा नाम मुसलमान का है, हम खानदानी मुसलमान हैं, इससे कामयाबी नहीं मिलने वाली है। तो कहने का मतलब यह है आज ये उम्मत जलील इसलिए है, आज उम्मत जलील ख्वार इसलिए है, ये उम्मत और रुसवाई की तरफ इसलिए जा रही है क्योंकि आज हमारे ईमान कमज़ोर हैं और नेकियों में हम बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। खासकर फजर की नमाजों का जायज़ा लेंगे तो आपका दिल रो जाएगा, हर मसाजिद की यही हाल है, हर मसाजिद की यही हाल है, इतने मुसलमान हैं, इतने मुसलमान हैं, अल्लाह का घर जगह जगह मौजूद है, शानदार शानदार मस्जिदें हैं, लेकिन क्या मस्जिदों को आबाद करने वाले हर महल्ले में वही चंद लोग होते हैं? ये कौम के नौजवान को क्या हो गया? क्या इनके ऊपर नमाज फ़र्ज़ नहीं है? क्या बुज़ुर्गों पर, बूढ़ों पर नमाज फ़र्ज़ है? मेरे नौजवान भाइयों होश में आइए, जुड़िए अल्लाह के घर से, अल्लाह के घर को नमाज़ों से आबाद कीजिए, नहीं तो हालात हमारे और आपके सामने हैं, हालात किस तरफ अपने रुख कर रही है, अगर हमने नमाज़ों से मस्जिद को आबाद ना किया तो पता नहीं आगे कैसे कैसे हालात सामने आएंगे। इसलिए नमाजों से मस्जिदों को आबाद कीजिए। तो मेरे भाइयों कहने का मतलब ये है कि ये उम्मत जलील और रुस्वा इसलिए हो रही है क्योंकि हम सिर्फ दावेदार हैं ईमान का और अमल में काफ़ी कोताही हैं, खासकर नमाज में, हुस्न अखलाक में, एक दूसरे के हुकूक अदा करने में। और इसी तरीके से इस उम्मत की जवाल पजीरी का एक सबब यह भी है कि उम्मत आखिर ये उम्मत इतना जलील क्यों हो रही है, इसका एक सबब यह भी है तर्के कुरान, यानी हमने आज कुरान को छोड़ दिया, कुरान से आज हम दूर हो गए, जबकि कुरान ये नूर हिदायत है, कुरान ये हिदायत का चश्मा है, कुरान ये कामयाबी का एक बहुत बड़ा जरिया है। आज हमने कुरान को छोड़ दिया, आज हम नाकाम हो हैं, नाकाम हैं, आज हमारी
वकात और हैसियत ना रह गई। आज हमें जलील की निगाहों से देखा जाता है। क्यों? हमने कुरान को छोड़ दिया, हम कुरान से अलग हो गए। और यही वजह है अल्लाह तबारक व तआला सूरह फुरकान आयत नंबर 30 पर इरशाद फरमाता है, वकाल रसूल या रब्बी इन कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। अल्लाह फरमाता है कि रसूल कहेगा, ए रब मेरी कौम ने कुरान को छोड़ दिया था। मेरे भाइयों, आज हम और आप देखें कि हमारा रिश्ता कुरान करीम से कितना मजबूत है, कुरान करीम से हमारा रिश्ता कितना मजबूत है। क्या कुरान की उन बातों पर हम अमल करते हैं जिन बातों को कुरान ने अमल करने के लिए कहा? क्या कुरान के उन बातों से रुके हुए हैं जिनसे कुरान ने मना किया? हम खुद अंदाज़ा कीजिए हमारी हालत कहाँ है। अफसोस होता है मेरे भाइयों, यही वो किताब थी, यही वो कुरान था जिस पर लोगों ने अमल किया, कुरान को पढ़ा तो उन्हें उरूज मिली, उन्हें तरक्की मिली। इस किताब के नाजिल होने से पहले वो कौम जो बात बात पर लड़ने के लिए तैयार, जो बात बात पर लड़ाई करते थे और ये लड़ाई काफ़ी तूल पकड़ लेती थी, वो कौम जो बच्चों को जिंदा दफर कर देती थी, वो कौम जिनके यहाँ शराब आम था, जिनाकारी बदकारी आम थी, बेहयाई आम थी, ढेर सारी बुराइयाँ थी, वो कौम जब कुरान आया, कुरान को पढ़ा, कुरान को समझा, कुरान पर अमल किया, ना सिर्फ अरब में पूरी दुनिया में छा गए, चंद ही मुद्दतों में, चंद ही लम्हों में पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम लहराया। और अल्लाह तबारक व ताला ने इन लोगों की तारीफ़ की, वो तारीफ़ जो कयामत तक रहने वाली है। अल्लाह ताला ने कहा, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्ह, के सहाबा इकराम से अल्लाह राजी हैं। और ये सर्टिफिकेट अल्लाह ताला ने कुरान में दे दिया है। क्यों? कुरान नाजिल होने से पहले उन लोगों की हालात कैसे थी, लेकिन कुरान आया, कुरान पढ़ा, कुरान पर अमल किया तो उनकी हुकूमत आ गई, उनका इक्तदार आ गया और पूरी दुनिया में उनका नाम रोशन हो गया, पूरी दुनिया में इस्लाम को फैलाया। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम अपना रिश्ता कुरान करीम से जोड़ें, कुरान करीम से हमारा रिश्ता मजबूत होना चाहिए। आज हमारा रिश्ता कुरान करीम से कितना गहरा है, कितना मजबूत है, हर कोई देख ले। कुरान कहता है शिर्क ना करो, कुरान कहता है कि अल्लाह की इबादत करो, कुरान कहता है सच बोलो, कुरान कहता है झूठ ना बोलो, कुरान कहता है अमानतदारी को अपनाओ, कुरान कहता है खयानत से करने से बचो, कुरान ने बहुत सारी नेकियों को करने का कहा, बहुत सारे गुनाहों से मना किया। क्या उस पर आज हमारा अमल है? आज तो कुरान सिर्फ ताकों की जीनत बनी हुई है, सालों भर हमारा कुरान ताकों में अलमारियों में रखा रहता है, हमें पढ़ने की नसीब नहीं। हाँ, ये काम कर लेते हैं, दूसरों को अपने घर में बुलाकर कुरान पढ़वा लेते हैं, लेकिन कुरान पढ़ने की तौफीक नहीं होती, कुरान समझने की तौफीक नहीं होती। जहाँ कुरान पढ़ा जा रहा है वहाँ बैठ कर सुनने की तौफीक नहीं होती। मेरे भाइयों, कुरान पढ़िए, कुरान सीखिए, कुरान समझिए, कुरान के क्या मानी है कभी जानने की कोशिश की हमने और आपने? दुनिया की लाखों किताबें हमने पढ़ ली, लाखों रुपये खर्च कर दिए, लेकिन ये कुरान पाक जो अल्लाह का कलाम है, हमारी धार्मिक किताब है, जिस पर हमारा ईमान है, क्या उस किताब को हमने कभी पढ़ा? क्या उस किताब को हमने समझने की कोशिश की? क्या उस किताब को कभी माना और मफहूम को हमने जानने की कोशिश की? मेरे भाइयों, आज देखो बहुत सारे इस माहौल में, इस दौर में कितने गैर मुसलमान कुरान को पढ़ पढ़ कर इस्लाम को कबूल कर रहे हैं, और आज हम मुसलमान हैं, हमारा कुरान घरों में साल भर ऐसे ही रखा रह जाता है। तो इस उम्मत की जिल्लत और रुसवाई का एक बहुत बड़ा सबब कुरान से दूरी है। कुरान से अपना रिश्ता मजबूत कीजिए। इसलिए एक शायर ने कहा था, वो मुअज्जज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज्जज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और आज हम ख़ार हैं तारीख़ कुरान होकर, यानी कुरान को हमने छोड़ दिया तो ज़िल्लत और रुसवाई हमारी मुकद्दर बन गई। इसी तरीके से एक हदीस पाक में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाँच चीज़ों का तज़किरा किया है, शॉर्ट में मैं बयान करूँगा। देखिए इन पाँच चीज़ों को देखिए और आज के हालात का मुशाहिदा कीजिए। प्यारे नबी ने 1450 साल पहले ये बातें आपने फरमाया था, लेकिन आज किस कदर सच साबित हो रही है। इन पांच बातों को देखिए और आज की हालात
का मुशाहिदा कीजिए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, इब्ने माजा की रिवायत है और हदीस नंबर 4019 है। इब्ने माजा की हदीस नंबर 4019 है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ मुतवज्जे हुए और कहा, या माशर अल मुहाजिरीन खम्सुन, ए मुहाजिरीन की जमात, पांच चीज़ें ऐसी हैं कि जब तुम उनमें मुब्तला हो जाओगे, जब इन पांच चीज़ों को करने लगोगे तो इसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मैं पनाह तलब करता हूँ अल्लाह की इस बात से कि वो तुम तक ये पांच चीज़ें पहुँचे। फिर वो पांच बातें आपने ज़िक्र फरमाया, पांच सज़ा भी आपने ज़िक्र फरमाया किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, पहली चीज़, लम तज़हरिल फाहिशतु फ़ी क़ौमिन क़त्तु हत्ता युअलिनू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब किसी कौम में बेहयाई आम हो जाए, औरियानियत आम हो जाए, जिनाकारी आम हो जाए, फहशकारी आम हो जाए, उसमें ऐसी बीमारियां आती हैं कि उससे पहले कभी वो बीमारी नहीं आई हुई होंगी, ताउन या ऐसी बीमारी जो उससे पहले वो बीमारी नहीं थी। आज देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात कैसे सच साबित हो रही है। आज जिनाकारी और फहशकारी ये फैशन बन चुका है बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के नाम पर, आज ये बेहयाई आम है, हम सब के सामने हो रहा है, लेकिन हिम्मत नहीं कि इस बुराई को हम रोकें, इस बुराई को टोकें। हमारे बच्चे इसमें मुलव्विस हैं, लेकिन हमारे पास वो ईमान नहीं कि अपने बेटियों को, अपने बेटों को इस जिनाकारी और बदकारी से रोकें, जो आज बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के नाम पर जिनाकारी और फहशकारी एक फैशन बन चुका है। बेउरियानियत बेपर्दगी हर कोई देखते हैं, खासकर शादी ब्याह में हमारे घरों की औरतों में निकाब होता ही नहीं, बुर्का होता ही नहीं, और किस तरीके से अपने हुस्न की नुमाइश करते हैं। जहां मर्दों का हुजूम होता है, वहां एक मुसलमान घराने की औरत जो जिनके घरों के लोग नमाजी हैं, हाजी हैं, मुसलमान हैं, अफसोस होता है ऐसे मंजर को देखकर, ऐसे हालत को देखकर कि इस कौम की बेटी, इस कौम की औरतें जिन पर कुरान ने पर्दा करने के लिए कहा, आज जब शादियों के वह माहौल में जाओगे आपका दिल रो जाएगा अगर ईमान होगा किसी औरतों पर बुर्का नहीं होता है। यह माहौल पैदा कीजिए, यह कौन आएगा, यह हमें और आपको करना पड़ेगा। जाएं घरों में, बताएं माओ बहनों को कि जब हम इस तरह के भीड़ में जाएं तो अपने ऊपर हिजाब डाल लिया करें, अपने ऊपर पर्दा कर लिया करें, अपने हुस्न की नुमाइश अपने शौहर के पास करें, अपने घर में रखें, शादियों में इसकी इजाज़त नहीं। तो कहने का मतलब यह है, अल्लाह के नबी ने जो फरमाया कि बेहयाई आम हो जाएगी, बेपर्दगी आम हो जाएगी, तो ऐसी बीमारी आएगी जिससे पहले कभी नहीं आएगी। आज एक से एक बीमारियां हैं जो पहले कभी नहीं थी। दूसरी बात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वलम यनकुसुल मिकयाल वल मीज़ान, कि जब लोग नाप तोल में कमी करने लगेंगे, जब कस्टमर को धोखा देने लगेंगे, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि सजा जरूर मिलेगी। क्या सजा मिलेगी? अल्लाह के नबी ने कहा, तुम्हारे रिस्क को तंग कर देगा अल्लाह, तुम्हारे रोजी को तंग कर देगा अल्लाह, और कहा, जालिम हुक्मरा की ज्यादती का तुम शिकार बनोगे। जालिम हुक्मरा के जरिए अल्लाह तुम्हें सजा देगा। कब? जब तुम नाप तोल में कमी करने लगोगे, जब तुम धोखाधड़ी को अपना लोगे, जब तुम कस्टमर को धोखा देने लगोगे। आज सूरत हाल हमारे सामने है, आज की जो मार्केटिंग है उसका जायजा आप लीजिए और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात को देखिए। अल्लाह अकबर, 1450 साल पहले अल्लाह के नबी ने ये बातें कही थी कि जब तुम नाप तोल में कमी करने लगोगे, जालिम हुक्मरा के जरिए तुम पर अल्लाह ताला तुम्हें आजमाएगा और तुम्हें सजा देगा। आज हम सबके सामने वो चीज है। और तीसरी चीज, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वलम यमनाउ ज़काता मवालिहिम, के जब इस उम्मत के मालदार, जब इस उम्मत के लोग जिनके पास इतना माल है कि ज़कात के निसाब को पहुंच जाए और ज़कात अदा ना करे, अल्लाह के नबी ने कहा कि अल्लाह आसमान से होने वाली बारिश को रोक लेता है। अल्लाह बारिश इसलिए बरसा देता है, प्यारे नबी फरमाते हैं, क्योंकि इस ज़मीन के अंदर जानवर हैं, बेजुबान मखलूक़ात हैं, इसलिए अल्लाह बारिश बरसा देता है। लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं, उम्मत के लोग जब ज़कात देना बंद कर देते, तो
अल्लाह आसमान से बारिश रोक लेता है। आज देखिए, हमारी उम्मत में मालदारों की कमी नहीं है, लेकिन सही मानों में ज़कात कौन अदा कर रहा है? और ज़कात दे भी रहे हैं तो क्या सही मानों में हकदारों तक पहुँच रहे हैं ज़कात का माल? याद रखो, अगर ज़कात का सिस्टम पर सही तरीके से अमल हो गया, यकीन मानिए समाज और माशरे से गरीबी का खात्मा हो जाएगा। तो ज़रूरत इस बात की है कि जिनको अल्लाह ने इतना माल दिया कि ज़कात तक पहुँच जाएँ, वो ज़रूर ज़कात निकालें, वरना दुनिया और आखिरत दोनों जगह नाकाम होगा। इसी तरीके से चौथी चीज़, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वलम यनकुज़ु अहदल्लाहि वअहद रसूली, कि जो अल्लाह और उसके रसूल की अहद को तोड़ेगा, जो अल्लाह और उसके रसूल की बात को नहीं मानेगा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहिम, उनके ऊपर दुश्मनों को अल्लाह मुसल्लत कर देगा। जब अल्लाह और उसके रसूल की बातों को छोड़कर हम मनमानी ज़िंदगी गुजारेंगे, तो अल्लाह जिस कौम के दुश्मन हैं उसको मुसल्लत कर देगा, सल्लतल्लाहु अलैहिम। आज हमारे और आपके सामने है, हम इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। हम अल्लाह और उसके रसूल के अहद को कितना पूरा करते हैं, कितनी बातें मानते हैं, हमने छोड़ दिया, दुश्मन हमारे ऊपर हावी है, हमारे ऊपर मुसल्लत है। तो अल्लाह के नबी ने 1450 साल पहले फरमा दिया था। और पांचवी चीज़, अल्लाह के नबी फरमाते हैं वमा अलम तहकुम आइम्मतुहुम बिकिताबिल्लाह, कि जब कोई कौम जो काजी हो, हुक्मरान हो, लीडर हो, फैसला करने वाले हो, और किताबुल्लाह के ज़रिए फैसला नहीं करेगा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उस कौम को अल्लाह आपस में लड़ा देता है, आपस में फूट डाल देता है, आपस में इख्तिलाफ डाल देता है। आज हमारे सामने है, आज हमारे जो फैसले होते हैं, चाहे जिस मसाइल के फैसले हों, जो मसला हो, उन मसले का फैसला, उन मसले का हल क्या हम किताबुल्लाह से कर रहे हैं, क्या सुन्नत रसूलुल्लाह से कर रहे हैं, क्या शरीयत मुतहरा से कर रहे हैं? हमारे जो फैसले हो रहे हैं क्या अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीके पर हो रहे हैं? आज हमारे फैसले अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीके पर नहीं हो रहे हैं। तो यही वजह है, आज इस उम्मत को देखिए, अल्लाह ने कहा कि जब तुम किताबुल्लाह को फैसल मानना छोड़ दोगे, अल्लाह तुम्हारे दरमियान फूट डाल देगा, इख्तिलाफ डाल देगा। आज ये उम्मत मुंतशिर हो चुकी है, उम्मत इख्तिलाफ का शिकार हो चुकी है, उम्मत कई फिरकों में बढ़ चुकी है, ये उम्मत का सिराजा बिखर चुकी है। क्यों? हमने किताबुल्लाह के जरिए फैसला करना छोड़ दिया, हमने सुन्नत रसूलुल्लाह को फैसल मानना छोड़ दिया, हमने दुनिया के चंद फायदे के लिए किताबुल्लाह को फैसल नहीं माना, शरीयत मुतहरा को फैसल नहीं माना, अपने मफाद के खातिर हमने शरीयत को फैसल नहीं माना। तो आज ही हालत है कि आज हम एक नहीं हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला तुम्हारे दरमियान फूट डाल देगा, इख्तिलाफ पैदा कर देगा। तो ज़रूरत इस बात की मेरे भाइयों, तो ये बताना ये कि उम्मत आज ये जलील क्यों हैं, ये उम्मत आज परेशान क्यों हैं, इस उम्मत के सामने बड़े बड़े मुश्किलात और मसाइल हैं। क्यों? क्योंकि आज हमारे पास वो ईमान नहीं है। आज हमारे पास ईमान है तो अमल नहीं है। आज हम हक बात बताने से डरते हैं, हक बात कहने से डरते हैं, और दूसरी बात सबर, हक बात बताने पर तकलीफें आए तो उस पर सबर भी करना है, और इसी तरीके से कुरान से अपना रिश्ता मजबूत करना है। मेरे भाइयों, ये चीज़ें अपनाएंगे तब हम कामयाब होंगे दुनिया में भी और आखिरत में भी, नहीं तो हर जगह नाकामी का सामना करना पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सारे मुसलमानों को अल्लाह अपने अपने ईमान को मजबूती अता करने की तौफीक दे। या अल्लाह, कुरान से हम सब मुसलमानों का रिश्ता मजबूती अता फरमा। या परवरदिगार, जब तक तू इस दुनिया में रख, अल्लाह किताब सुन्नत पर ज़िंदा रख और अकीदे तौहीद पर ज़िंदा रख, और जब हम सब का खात्मा हो तो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह अकीदे तौहीद पर खात्मा हो। आमीन। तकब्बल।